त्रिगेन साहब, आप की उम्र केवल... अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 19 वर्ष? कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं। उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। नहीं, मैं नहीं मानता। जो के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की। मजाक हो रहा है? उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। आपने फायर मिस कर दी। अब भाई क्या हो गया तुम्हें? कल तक तुम आर्मर कोर का गनर थे, अब फार्मर कोर के किसान क्यों बने हुए हो? हिट द बॉल। अब अगर गोला टारगेट पर ना लगा ना, मैं तुम पर फटूंगा। फिर बहुत गालियां दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। मिरेकल। मेरे पास एक हैंडग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका। पीछे तो देखो। उसे तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। तुम मेरा दुश्मन हो। मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़। तो लास्ट में उन्होंने बोला, बेटे जवान की रिक्वायरमेंट, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। खाने के लिए नहीं चाहिए। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। म्यूजिक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।